कौन थे राणा अमर सिंह? इतिहास का वो योद्धा जिसे हमारी स्कूली किताबों में एक डरपोक और अयोग्य राजा कहकर पढ़ाया जाता है, पर वो तो ऐसा करारा योद्धा था जिसने अपने जीवन के अंत तक विशाल मुगल सत्ता को कस कर मार लगाई। पर आज इस महान देशभक्त सपूत की पूरी कहानी सुनकर आप ही तय करिएगा राणा अमर सिंह डरपोक थे या बहादुर। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। महाराणा अमर सिंह जी का जन्म 16 मार्च सन 1559 में चित्तौड़ में हुआ था। उनके पिता मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप थे तथा माता बिजोलिया ठिकाने की राजकुमारी अजब दे पव्वार थी। अमर सिंह जी महाराणा प्रताप के 22 बच्चों में से सबसे बड़े राजकुंवर थे। राणा अमर सिंह भी महाराणा प्रताप की तरह ही वीर थे। उन्होंने मुगलों से 18 बार युद्ध लड़ा और हर बार उन्हें धूल चटवाई। अमर सिंह जी के समय दिल्ली का सुल्तान जहांगीर था, वो भी अपने पिता अकबर की तरह मेवाड़ को जीतना चाहता था, पर राणा अमर सिंह जी ने हर बार उसकी सेनाओं को परास्त किया। एक बार अकबर ने जहांगीर को एक विशाल सेना देकर मेवाड़ पर भेजा, पर राणा अमर सिंह जी ने जहांगीर को कस कर मार लगाई और उसे मेवाड़ की सीमा से बाहर धकेल दिया। इस तरह जहांगीर मेवाड़ की विफलताओं से परेशान होकर बंगाल की तरफ बढ़ गया, जिससे अकबर उससे बहुत नाराज हो गया और उसकी जगह खुर्रम को अगला बादशाह बनाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जल्दी ही अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बादशाह बनता है और वह मेवाड़ पर अपनी खीज निकालता है। मेवाड़ को फतेह करना अब जहांगीर की नाक का सवाल हो गया था। मेवाड़ न जीत पाने पर उसके पिता ने उसको खूब लताड़ा था, और तो और अकबर बादशाह ने उसे रण के मैदान से भागने वाला डरपोक तक कह दिया था। प्रारंभ में हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में कुंवर अमर सिंह को मेवाड़ का सेनापति घोषित किया। इसी युद्ध में अकबर के चाचा सुल्तान खान का सामना कुंवर अमर सिंह से हुआ। कुंवर अमर सिंह ने अपने भाले से सुल्तान खान पर भीषण प्रहार किया। भाला इतने तेज वेग से मारा था कि उनका भाला सुल्तान खान को उसके घोड़े सहित चीरते हुए जमीन में धस गया। सुल्तान खान मरने ही वाला था कि तभी महाराणा प्रताप वहां आ पहुंचे। महाराणा प्रताप ने तड़पते हुए सुल्तान खान के हालत को देखकर अमर सिंह से कहा कि यह भाला सुल्तान खान के सीने से निकालो। तब जाकर कुंवर अमर सिंह ने भाला निकाला। महाराणा प्रताप द्वारा दिवेर सहित 12 मुगल ठिकानों को जीतने में अमर सिंह जी ने ही वहां सबसे पहला हमला किया था और मेवाड़ में स्थित समस्त मुगल थानों को नष्ट कर दिया था। मेवाड़ को अपनी हुकूमत के अधीन करने की लालसा अकबर के मन में महाराणा प्रताप के स्वर्गवास के बाद भी बनी रही। इसी के तहत ईस्वी सन 1600 में उसने अपने सबसे बड़े शहजादे सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से बादशाह बना, को एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ भेजा। उसने मेवाड़ में प्रवेश कर उंटाला सहित मेवाड़ के 5 ठिकानों पर मुगल थाने स्थापित कर दिए। इसी के जवाब में महाराणा अमर सिंह ने शाही थानों पर आक्रमण करने का निश्चित कर उंटाला दुर्ग पर चढ़ाई की। इस समय तक महाराणा की सेना के हरावल पंक्ति में चुंडावत ही रहा करते थे, लेकिन इस युद्ध में सक्तावत और चुंडावत वीरों द्वारा जान देने की अनोखी होड़ और उनकी अदम्य वीरता ने उंटाला के इस युद्ध में आसानी से जीत दिलवा दी। इसके आगे महाराणा अमर सिंह मांडल बागोर जैसे मुगल थानों को लूटते हुए मालपुरा पहुंचे। कई थानों के अधिकारी थाने छोड़कर भाग गए। शहजादा भी निराश होकर मेवाड़ से बंगाल की ओर चल पड़ा। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद ईस्वी सन 1608 को महावत खान को एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ को फतेह करने के लिए भेजा, पर वह राणा अमर सिंह के साथ पहले ही युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुआ और वह अपनी सेना सहित मेवाड़ की सीमा से पार चला गया। उसकी कोई दाल नहीं गलते देख जहांगीर ने महावत खान को वापस बुलवाकर उसकी जगह अब्दुल खान को मेवाड़ जीतने की कसम दिलवाकर मेवाड़ पर भेजा। विक्रमी संवत 1668 में
रणकपुर की घाटी के पास दोनों सेनाओं का आमने सामने का मुकाबला हुआ और विजय श्री महाराणा अमर सिंह के हाथ आई। अब्दुल को भी सफल न होते देख जहांगीर ने अब्दुल को वापस बुलवाकर उसे 100 कोड़े मारने की सजा दी। हर बार मुगलों की पराजय से तंग आकर अब जहांगीर ने राजपूत को राजपूत से भिड़ाने की कोशिश की और इसी के तहत ईस्वी सन 1611 में वासु तंवर को एक विशाल राजपूत सेना के साथ मेवाड़ को विजयी करने के लिए भेजा। परंतु राणा अमर सिंह राजपूत राजा को अपने ही भाइयों के विरुद्ध लड़ते देख अत्यधिक उग्र हो गए। एक बार फिर भीषण युद्ध हुआ और राणा के हाथों वासु तंवर मेवाड़ की सीमा पर शाहबाद में मारा गया। इस बार पुनः मेवाड़ी वीरों ने अपने स्वाभिमान का भगवा ऊंचा रखा। मुगलों के साथ मेवाड़ का संघर्ष राणा सांगा के काल से लगातार चलता जा रहा था। ये तीसरी पीढ़ी थी जो युद्ध भूमि में एक दूसरे का लहू बहा रही थी। वर्षों तक लड़ाइयां लड़ते लड़ते विश्वस्त राजपूत सरदार दिन प्रतिदिन कम होते गए। कई बुद्धिमान सेनापतियों की वीर गति से मेवाड़ी सेना कमजोर होने लगी थी, जिसका परिणाम ये रहा कि उनके सरदारों की अपनी इच्छा और उस समय की स्थिति के अनुसार राणा अमर सिंह को अपनी आंतरिक इच्छा के विरुद्ध बादशाह जहांगीर से संधि करनी पड़ी और मेवाड़ के 800 सालों के इतिहास में पहली बार किसी सूर्यवंशी राजा ने मुस्लिम सत्ता से संधि कर ली। परंतु यह संधि सम्मानजनक थी, जिसके तहत मेवाड़ के किसी भी राजा को दिल्ली के दरबार में जाकर सलाम करने या घंटों तक बादशाह के सामने खड़े रहने का अपमान सहन नहीं करना होगा। मेवाड़ के कोई भी राणा न तो अपनी बहन बेटी का विवाह मुगलों से करवाएंगे, न ही वे किसी मुगल राजकुमारी से विवाह करेंगे। मेवाड़ के किलों और ठिकानों पर सूर्यवंशियों का ध्वज ही लहराएगा, मुगल ध्वज नहीं लहराएगा। मेवाड़ में हिंदुओं को उनका धर्म बदलने, मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पर फिर भी महाराणा अमर सिंह को बड़ा दुख हुआ। वे पूरी तरह से टूट चुके थे। मेवाड़ की आजादी के लिए अपने जीवन में इतने युद्ध लड़े, भूखा प्यासा एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता रहा, कभी घास की रोटियां खाकर समय गुजारा, कभी पत्थरों पर सोकर रातें निकल गई। क्या आप सूर्यवंशी सिसोदिया, जो मल्लेच्छों के जन्मजात शत्रु हैं, अब उनके दर के नौकर बन जाएंगे? इन्हीं चिंताओं में राणा अमर सिंह ने मेवाड़ के राजकार्य अपने पुत्र कर्ण सिंह को सौंपकर एकांतवास में रहने चले गए। वे कई सालों तक भगवान एकलिंग जी से क्षमा मांगते कि उन्होंने मुगलों को अपना अधिपति मानकर अपने कुल को कलंकित कर दिया। महाराणा अमर सिंह जी ने मेवाड़ की आजादी और अपने कुल के स्वाभिमान के लिए महाराणा प्रताप से भी अधिक लड़ाइयां लड़ी, परंतु अपने जीवन काल के अंत में बादशाह से सुलह कर लेने के कारण हिंदुस्तान में उनकी ख्याति वैसी नहीं हो पाई जैसी कि उनके पिता की थी। दोस्तों, महाराणा अमर सिंह के इतिहास से जुड़ा यह किस्सा आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आगे हमारे साथ जुड़े रहे। आपका आभार, धन्यवाद।